तो क्या बोलती पब्लिक और भाई लोग क्या ले, उतरते ही मुझको ना AKM मिल जाती है और ये गॉड गन है। वैसे मैं सारी गनों को ही गॉड गन बोलता हूँ। खैर जो गन अपन को मिल जाए और अपने से अच्छी चल जाए वो गन बेस्ट है। कदमों की आवाज आई अभी ना इसमें टीममेट को मारने के लिए, मैं नेट यूज करने वाला हूँ और जैसे ही नेट खींचता हूँ मेरे पीछे से साउंड आता है और बंदा दिखता है। इसका टीममेट ना नेड खींचता है तो मेरे को इसका भी साउंड आ ही जाता है। मैं आगे जाता हूं, इसको कोई और पीछे से निपटा देता है। अब एक चीज मुझको तुमसे पूछनी है भाई, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था एक चीज जो तुम गेम से हटाना चाहते हो और सरप्राइजिंगली 700 से ज्यादा लोगों ने इसको वोट करा है, कॉन्करर ही हटा दो। 69% लोगों ने वोट किया है 700 में से कि कॉन्करर हटा दो गेम में से। भाई ऐसा क्यों चाहते हो भाई, मेरे को समझ नहीं आया, लोग ही बताना मुझको। अभी मेरा टीममेट ना रैंडम था तो यार रैंडम के साथ कन्वे करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर नेड मिल जाए तो पूरा मैच नेड से ही खत्म कर सकते हैं। और इंस्टेंट में एक और सेकंड नेट पिन कर लेता हूँ, मुझको मालूम चल जाता है कि बंदा कहाँ पर है। अनफॉर्चुनेटली ये बंदा नेड से तो बच जाता है लेकिन ना मैं सोच लेता हूँ मेरे टीममेट को बच्चा नहीं है। अब इसका नाम था हे रिया। अब भाई मुझको मालूम नहीं ये कौन था, लड़का लड़की जो भी था, तो मैं बोल देता हूँ देख भाई मैं तो कर रहा हूँ रैंक पुश, तुझको करना है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं करना ही है। देखो अपने टीममेट के साथ बातचीत करके खेलोगे ना तो बढ़िया रहता है। अब वैसे ये रैंक पुशर नहीं था बट मेरी बात मान के रैंक पुश के लिए हाँ बोल देता है। खैर हाँ बोलता नहीं है, टाइप करके बोल देता है कि हाँ ठीक है कर लूंगा भाई। और सेकंड लाइफ में मैं जाता हूँ अपार्ट। और भाई मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सेकंड लाइफ में रश खेलने का रीजन क्या है, तुम यूट्यूबर हो तो अपने गेम प्ले बनाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो बात क्या है ना, मेरे ये ड्रॉप कब से मतलब बहुत टाइम से सेम ड्रॉप है और जब एक किसी अच्छी जगह पे पकड़ होती है ना तो वहां जाने की इच्छा भी होती है। और मैं भी ये मानता हूँ कि तुम भी किसी अच्छी जगह पे ही जाते होगे। और वैसे भी ना रैंक पुशर्स कहीं पर भी चले जाए रैंक पुश करके ही मानते हैं। फिलहाल सामने वाले बंदों में चुलती हम पे रश करने की, तो आएंगे तो नीचे से ही। और इसका टीममेट भी दोनों एक दूसरे पे DBS चला रहे और DBS वैसे DBS में DBS आखिरकार जीत ही गई। मेरे टीममेट को इंप्रेस करने का मेरे को एक और मौका भी आगे मिलने वाला है। सामने ना हमको रहता है बंदे हैं तो मैं एक बोट फायर देके बंदों को बुलाना चाहूंगा इधर की तरफ, लेकिन कूप का साउंड आता है और तभी बोट का भी साउंड आता है। लेकिन ये बोट था नहीं, लेकिन अब मेरे पास एक मौका है मेरे टीममेट को इंप्रेस करने का। अब जो भी है यार माइक तो ऑन करता नहीं है या करती नहीं है, तो मैं सोच लेता हूँ भाई यार रैंक पुश नहीं कर रहा है या कर रही है, जो भी है यार भाई बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीज, पर खैर कोई ना नेट घिसो और क्या बचा है बंदा भाई साहब। फिर मैं एक और नेट घिसूंगे, चलो एक नेट से तो बच गया ही है, पर लगता है नहीं यार ये नहीं करना चाहिए नेट। और आगे ना IQ वाली चीज स्मोक कर देता हूँ मैं और क्या ही होगा। अरे भाई साहब और फिर बस इधर जंप करके जाता हूँ। अब मुझको था 100% इसका टीममेट इसको रिवाइव देने पे फोकस करेगा, तो फटाफट इधर आता हूँ, ये पीछे गेट की तरफ जाते हुए दिखता है। और तभी भाई मेरे में समझ रहा था पीछे गेट पे, खैर कोई नहीं तो यही था, इसको इधर से इंप्रेस जाता है और टीममेट भी इंप्रेस हो ही जाता है या जाती है। भाई बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, वैसे गाड़ी भी आती है तो मेरे को रहता है भाई अपार्ट बढ़िया जगह तो है, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है, हलचल बनी हुई रहती है, लेकिन ना हमसे जोन आगे शिफ्ट हो जाता है। अब गाड़ी वालों को अलविदा कह के हम जाने रखते हैं जोन में और पक्की बात है पीछे से छेड़े हम पे करने वाले। पर ना देखो अब तुमको मैं रोटेशन दिखा रहा हूँ, पूरा हाई ऊपर एकदम जोन के किनार किनार से दूसरे बंदों की पहुंच से बहुत दूर हम जाने वाले हैं जोन में, और जोन में ढूंढने वाले एक ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित रह सके। और एक और मेरी पर्सनल फेवरेट राय है जो कि तुमको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल तुमने रोटेशन देख लिया जोन की एजेस पर रहकर, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट जो कि यासनाया के। देखो जोन बनते से ही अगर तुम जोन में चले जाते हो ना तो तुम्हारा फर्स्ट मूव एडवांटेज तुमको मिलता है, और बहुत रेयरली चांस होते हैं जो जोन में अच्छे कंपाउंड होते हैं वहां पर कोई तगड़ी टीम होल्ड करके बैठी हो, क्योंकि सब लोगों को यही लगता है मेन बीच की जगह कोई ना कोई बंदे यहाँ पर होंगे ही, तो इसलिए हम पहले बीच में आगे आ जाते हैं। और हाँ अगर गेम में हैकर है तो पहले तुमको नहीं आना है, पर हैकर नहीं रहता इस गेम में तो हम आगे रिस्क लेके आ ही जाते हैं और ये हमारा सही डिसीजन था। और फिर उसका थोड़े बहुत छेड़े करेंगे, location.
अब इसी के साथ छेड़े करने में मजा आता है, लेकिन फिर हमको वापस जोन की ओर निकलना था। और एक फ्री एडवाइस है, माननीय तो मानो वरना कोई बात नहीं तुम्हारे ऊपर, कभी भी कहीं पर भी जा रहे हो बंदे आसपास होनी हो डजंट मैटर, तुम हमेशा स्मोक कर लिया करो। ये अच्छी एक प्रैक्टिस है तुमको, क्योंकि तुमको भाई कभी भी अगर बंदे हो और तुमको मालूम नहीं हो तो स्मोक तुमको उससे बचा लेगा। और यहाँ पर मैं फटाफट फ्यूल अप कर लेता हूँ और जोन देख ही लेता हूँ और समझ जाता हूँ, एक आइडिया मन में बिठा लेता हूँ हमको किधर की ओर जाना चाहिए इस जोन में। और आसपास से ना फायरिंग का साउंड, गाड़ियों का साउंड सब कुछ आ रहा था। और मेरे केस में ना एक अच्छी बात ये थी, मेरी जो टीममेट है या मेरा जो टीममेट है ये भाई कॉल लेके पूरा मतलब सब कुछ साथ देने वाला बंदा था जो भी था। क्योंकि मैं भले देखो एक ये है कि उतने लेवल का या उतने टीयर का नहीं था मेरे कंपैरिजन में, लेकिन भाई मैं जैसा जैसा बंदे को बोलता हूँ भाई हर एक चीज मानता ही है। और फिर हम आते हैं इसी जगह, सामने फ्री के किल बटोर ही लो तो बढ़िया रहता है। Awesome. अब हम जिस जगह पे ना वहां पर हर तरफ बुश का कवर है, ड्रॉप का भी कवर है, गाड़ी भी हमारे पास सही, तो ये सारी चीजें ना और ऊपर से हम फिर स्मोक की वॉल भी क्रिएट कर लेते हैं। और भाई दो नंबर ना भाई, वेरी गुड, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है भाई, जब भी हो कुछ भी मौका रहा हो मेरे साथ ही रहा है। तो रैंडम में भी ना ऐसे टीममेट मिलना बहुत मुश्किल है, तो अ वेरी बिग शाउट आउट टू नंबर टू। अब जो भी नाम है इसका, लड़का लड़की, वो तुम लोग मुझको कमेंट्स में बता दो क्या था भाई, अगर किसी की आईडी देख के बता पाए। और सामने मेरे टीममेट बोलता हूँ भाई जल्दी जल्दी, अपन को जल्दी निकलना चाहिए यहाँ से। वो भाई मेरे से सवाल भी नहीं पूछता है, वो माइक ऑन करते ही नहीं है पूरे मैच में, बस जैसा मैं जो गोल दे देता हूँ भाई चुपचाप से मान लेता है। अभी क्या रीजन था हमारा जोन के बाहर जाना था, लगभग पूरा एक मिनट बच रहा था जोन स्टार्ट होने में, और मेन में यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझको और टीममेट को अच्छी लूट मिल जाएगी, और स्पेशली अगर गॉन्टलेट मिल जाए तो क्या कहना भाई। तो और यहाँ पर अच्छी लूट थी भी, सरप्राइजिंगली हमको भाई जो जो चाहिए था सब कुछ मिल जाता है गॉन्टलेट के साथ, और भी एक्सटेंडेड ओम वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और फिर हम निकलते हैं जोन में, और छोटी से जोन में आते ही बंदे भी आते हैं। देखो यार अब इनको निपटाने के बाद ना मुझको लगता है कि अब जोन और छोटा होने ही वाला है, मतलब लगता क्या है होने ही वाला है। तो एक आईक्यू की चीज मेरे दिमाग में आती है, मैं कर देता हूँ गाड़ी के नीचे स्मोक और फिर चढ़ जाने वाला हूँ गाड़ी पे। अब ऐसे में ना गाड़ी पे स्मोक होगा तो किसी को मैं तो नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं सबको देख पाऊंगा, मुझको स्मोक भी दिख जाता है और दूसरे बंदों को भी स्पॉट करने की मैं ट्राई करता हूँ। तो छोटी सी चीज है जो कि तुम अपने गेम में यूज कर सकते हो, लेकिन आप बच के रहना, नेड मुली आ सकते हैं जैसे मेरे साथ होने ही वाला है। एक स्मोक और करता हूँ और चिल हो गया बैठा हुआ था, तभी नेड आता है, तो अपने रिस्क पे करना जो भी करना चाहो। मैं मेरे टीममेट को देता हूँ, भाई देख मैं निपटने वाला हूँ, तुझको बचाना रहेगा मुझको। तो भाई मेरे पास आने लगता है, बोलता हूँ नहीं नहीं मेरे पास नहीं आना है, दूर दूर दूरी बनाओ भाई थोड़ा सा। और यहाँ पर एक स्मोक और कर लेता हूँ, और फिर थोड़े टाइम के बाद रश होता है। और सामने दो बंदे बच रहे थे, मैं इससे बोलता हूँ भाई अपन को चिल होके, अपन को जोन भी जाना है 48 सेकंड है, आराम से जोन में चल जाएंगे, फाइट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन भाई को बंदा स्पॉट होता है, तो अब भाई अब तुमको भी कोई बंदा दिखेगा तो तुम उसको छोड़ोगे थोड़ी। तो भाई यहां पर ये नो फिनिश हो जाता है, लेकिन मुझको बंदों की लोकेशन बता देता है। और भाई मैं समझ रहा था दो बंदे मतलब एक टीम के, और लास्ट मोमेंट पे जब तुमको 1v1 फाइट लेनी हो, लास्ट वाली की लोकेशन तुमको नहीं मालूम है, भाई ऐसे दिल में धक धक होता है, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है चिकन की। और 1v1 में हार जाओ ना तो बहुत बुरा भी लगता है, तो मैं गाड़ी में बैठ के ढूंढने निकलता हूँ बंदे को। और तभी और इजी चिकन। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लस तो 26 वो भी कॉन्करर पे।